हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आशा है अच्छे होंगे। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद भी पॉजिटिव रहूँ और मेरे व्यूवर्स भी पॉजिटिव रहें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आज की। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, दो कार्ड आए बहुत जंप करके गाइस, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है, अगेन दो कार्ड गाइस, हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ वांड्स। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं गाइस। आए थे कार्ड लेकिन मैंने नहीं लिया उनको। द एम्परर अभी भी स्टबन, अभी की भी एनर्जी जो है स्टबन है, उनकी जिद इतनी आसानी से ख़त्म होना मुश्किल है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक कार्ड और, हो दो कार्ड आए गाइस, मैं ले रही हूँ इसको। और बॉटम में है फाइव ऑफ शॉर्ट्स। तो गाइस अभी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको कप देना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको कप देना चाहते हैं, बिल्कुल घोड़े पे सवार होके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैंने कहा चाहते हैं, और वो अपना कप, क्योंकि इसमें एक्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर यानी वो जो आपके एक्स जिन्होंने आपको ब्लॉक किया, जिनके साथ नो कांटेक्ट की स्थिति है आपकी, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपके साथ खुशियां देखते हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं और आपको अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं। बट वो कभी हैंगमैन की स्थिति में थे गाइस, वो हैंगमैन की स्थिति में थे, बट अब उससे वो बाहर निकल चुके हैं। अब वो हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है अपने और आपके लाइफ से संबंधित। और एस ऑफ वांड्स की स्थिति है कि वो आपसे नई शुरुआत चाहते हैं, आपको बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल देखते हैं और आपसे नई शुरुआत चाहते हैं, साथ ही आप के साथ अपने दुनिया बसाना चाहते हैं, आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं लोगों से दूर, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। बट उनकी ईगो, वो अपने अनुसार सारी चीज़ों से चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसे ही सारे लोग करें, सारे लोग बातें वैसे ही माने और मेरे अनुसार चलें। तो ज़िद्द है, ज़िद्दी हैं वो थोड़े, साथ ही थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत पैशनेटली वेट कर रहे हैं आपका। वो कुछ बैलेंस करना चाहते हैं लाइक थर्ड पार्टी और आप में, क्योंकि थर्ड पार्टी है गाइस, वो शादीशुदा हो सकते हैं या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस। तो क्योंकि एनर्जी ऐसी आई है,
नाइट ऑफ शॉर्ट्स वो आपकी तरफ स्पीड में दौड़ते भागते हुए आना चाहते हैं, चाहे तो रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आए, किसी से भी झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो इसके लिए तैयार है। बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी एनर्जी ने उनको बांध रखा है। उनको फीलिंग आ रही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये मन में चल रहा है मुझे शुरुआत करनी है, बट उनको कुछ रोक रहा है। गाइस उनके रास्ते में कुछ ऐसा है जो उनको बांध के रखे हुए है, वो निकल नहीं पा रहे हैं इससे, चाहते हुए भी वो नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो दो कार्ड एक साथ गिरे थे गाइस, जिसमें कि सन कार्ड है, हो सकता है उनको रोकने वाले उनके बच्चे हों, उनके वो बच्चों की वजह से नहीं आ पा रहे हो, फिर भी वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और आपके साथ मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके जीवन में सन बन के आना चाहते हैं और आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, बट चाहते हैं गाइस। और ये यहाँ पे इनको पता है कि इनको झगड़ा करना पड़ेगा, इन्होंने कभी आपको मैनिपुलेट किया था वो भी सब कुछ इनको याद आ रहा है, उनको झगड़ा करना पड़ेगा और शायद किसी से झगड़ भी रहे हैं। अगला कार्ड बॉटम में है गाइस, टू ऑफ शोर्ड्स, जो दो चीज़ों में जगलिंग को दिखाता है, सेलेक्ट न कर पाना, दो चीज़ हैं, दो सिचुएशन है इनके सामने, या तो थर्ड पार्टी और आप, दो सिचुएशन में वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। लेकिन उसके नीचे का कार्ड बहुत ज़बरदस्त है गाइस, ये देखिए फोर ऑफ वांड्स, ये शादी का कार्ड है गाइस। उनको चुनना है, कुछ एक चीज़ चुननी है जो शायद आप हो और आपके साथ वो शादी चाहते हैं, बस चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो ने सब कुछ बर्बाद करके रखा है। इनके अंदर जो ईगो अगर टूट जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है, ये फोर ऑफ वैंड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स है, वो कप्स भरा भर के आपके लिए रख के तैयार रखा है उन्होंने, लेकिन उसके नीचे जो है फोर नाइन ऑफ शोर्ड्स है, जो उनको रातों को सोने नहीं दे रही है, बहुत दिक्कत में है, वो परेशान है और उठ उठ के रात में रोते हैं और स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं गाइस। और कहीं ना कहीं मतलब स्थिति वो सोचने में बिता रहे हैं, जो भी अभी कंडीशन है उनकी वो सोचने में बिता रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, सब कुछ करना है, मतलब सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन केवल सोचने की प्रवृत्ति है, कर नहीं पाने की टीस है, वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है उनकी लाइफ में जिससे वो बंधे हुए हैं, या किन्हीं को उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है जिसके वजह से शायद वो उनके लिए सही नहीं रहा, उसके पीछे भागा, तो मतलब उन्होंने सब कुछ सोचा था कि बहुत अच्छा होगा, उसके पीछे भाग के गए थे थर्ड पार्टी के पीछे, लेकिन अब उनको समझ में आ रही है कि मैंने ये जो भी डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, गुस्से में आकर लिया था, और आज वो पछता रहे हैं गाइस। ओके देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आपकी लाइफ में अब तक बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, लेकिन अब आपकी लाइफ में हेल्पफुल लोग आने वाले हैं गाइस। अगला है रिकवरी, जो आपने खो दिया, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो भी आपने खो दिया, आपकी लव लाइफ में जो भी खोया, सब कुछ आपको वापस मिलने वाला है गाइस, जो हेल्पफुल लोग होंगे कुछ लोगों की मदद से, हो सकता है आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ वापस आने वाली हैं। ओके इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो, एंजल्स विश्वास करो गाइस, मुझे लगा कि एंजल्स ने आपके लिए कुछ विशेष किया है, तो चलते हैं एंजल्स मैसेज मैंने आपके लिए निकाले, और अब मैं कुछ आपके लिए लव मैसेज देख लेना है कि आपके पार्टनर के अंतर्मन के द्वारा या आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसा जो कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे, देखते हैं। ओके तुम याद ना आया करो, बहुत तकलीफ़ होती है, ये कहा है उन्होंने कि तुम याद ना आया करो, एम इनिशियल सैड, वो सैड है गाइस, वृश्चिक
आई लव यू, बहुत सुंदर मिसेस। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उनको पता है कि आपके गुनहगार हैं। माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, उनको मतलब पता है कि उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी कहना चाहते हैं। ओके वैसे मैं ओके ओके और मैं कुछ ले लूँ। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी ज़िंदगी। मैं कार्मिक में फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा पर कोशिश कर रहा हूँ। वो कार्मिक में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन आया गाइस, मेडिटेशन करिए। मैं एक और लेती हूँ बस, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगा। ओके एक और इनिशियल आर। ओके 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 ए लीब्रा और कुछ ले लूँ क्या? एक ले लूँ। मिसिंग यू मिस कर रहे गाइस। ओके थैंक यू।